भोजन और स्वास्थ्य। बाबा कहते हैं, जैसा खाओगे वैसा मन होगा, जैसा मन होगा वैसे विचार होंगे, जैसे विचार होंगे वैसा आपका चलन होगा, जैसा चलन होगा वैसा आपका स्वास्थ्य होगा। खाने का हर एक अंश शरीर में शक्ति प्रदान करता है, शारीरिक ईंधन देता है, नई कोशिकाएं बनाता है और खाने में मौजूद अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ आपकी हड्डियों के लिए अति आवश्यक है। भिन्न प्रकार के विटामिन शरीर को पुष्ट रखते हैं। शरीर की रचना में पानी का सबसे अधिक महत्व है। संतुलित भोजन ऐसा हो जिससे शरीर को 2500 से 3000 कैलोरीज प्रतिदिन प्रदान हो। यह कैलोरी प्रोटीन, चर्बी तथा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती हैं, जिनकी मात्रा 1:1:4 अनुपात में होनी चाहिए। बाबा के आप प्रेम स्वरूप सुनो ध्यान से यह एक बात कि खाने में लो इतना भोजन जितनी हो तुमको भूख, थाली में बचे ना कुछ भी, मत करना तुम इससे चूक। भोजन करने से पहले और भोजन के बाद करना अपने हाथ मुंह को हमेशा पानी से साफ। पहले करके ध्यान भगवान का, कर धन्यवाद साई का। भोजन करे शांत मन आप और खाते समय रहें चुपचाप। खाना तो है ये वही अच्छा जिसे खाए मन हो अच्छा। बाकी रही विज्ञान की बात, खाने में होते 6 भाग, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, नमक, विटामिन, पानी। 3 जिस खाने में हो ये ठीक, वही बनाए चित शरीर ठीक। बच्चों को बढ़ाए करीब 1800 से 2000 कैलोरीज, व्यस्त करे काम और खाएं 2500 से 3000 कैलोरीज। अधिक मात्रा में चावल, चीनी, नमक, मैदा, दूध भी शरीर को अस्वस्थ करते हैं। इनका सेवन भी सावधानी से करें। श्री सत्य साई बाबा ने 12 अक्टूबर 1969 को यह कहा था कि समय पर खाना खाएं तथा दिन को शारीरिक गतिविधि में बिताएं जिससे खाना पूर्ण रूप से हजम हो जाए।